हेलो दोस्तों, मैं हूं जायरुल, आपका दोस्तों होस्ट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे अगर आपका कोई भी मोबाइल खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो कैसे आप उन सभी मोबाइल का रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको वापस मिल सकता है कैसे, घर बैठे बैठे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे आपका जो मोबाइल है वापस मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल चोरी हो गया या फिर खो गया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप चाहे तो आधे घंटे के अंदर अंदर उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, एकदम परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। कोई को अगर दूसरी बार सॉफ्टवेयर भी डलवाते तो भी यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक। मतलब आप चाहे तो बाद में आकर आपका जो मोबाइल है उसको मिल जाता है तो उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप दोस्तों किसी मतलब दूसरे किसी बंदर से कोई सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि आपको कोई मोबाइल पसंद आ जाता है जो नए में नहीं है, सेकेंड हैंड है, किसी बंदा मतलब दूसरे कोई बंदा यूज कर रहा है उसको, ठीक है, और वो बेचना चाहते हैं, ठीक है, और आप खरीदने वाले हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा जो मोबाइल आप सेकेंड हैंड खरीदने वाले वो मोबाइल चोरी का नहीं है या फिर दूसरे किसी का नहीं है। ठीक है, तो उसको भी आप पता लगा सकते हैं घर बैठे बैठे। ठीक है, वो भी विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर। उसका जो IMEI ID है, ठीक है, हर एक मोबाइल के अंदर एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप उसको देख सकते हैं, IMEI को डाल के देख सकते हैं कि उसके अगेंस्ट में कोई रिपोर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, और जो जिस मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूं किसी भी मोबाइल का हो सकता है, चाहे 1000 रुपए का हो, चाहे 10000 रुपए का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, चाहे उसके अंदर कोई भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, एंड्रॉइड चलता है, iOS चलता है, या फिर कोई भी मतलब जो फीचर्स फोन होता है सिम्बियन वगैरह जो भी चलता है। ठीक है, 1000-1500 रुपए वाला का जो फोन होता है उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ठीक है, मतलब आप बहुत आसान तरीके से आपका जो मोबाइल चोरी हो गया उसको आप बहुत आसान तरीके से 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसको रिकवर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, मैं कंप्यूटर में जाकर पूरे डिटेल्स के साथ दिखा दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया साइट लॉन्च कर दिया है। ठीक है, मोबाइल चोरी के मामले मतलब दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए स्पेशल एक ब्रांच खोला गया है इसके लिए। तो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो मोबाइल है वो रिकवर हो जाएगा। आप चाहे तो आधा घंटे के अंदर अंदर ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं, IMEI स्टेटस जान सकते हैं कि मोबाइल चोरी का है या फिर ओरिजिनल उसी पार्टी का है। ठीक है, तो इसके लिए जाना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर में, पूरी डिटेल्स के साथ दिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मेरी कंप्यूटर में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, मैं अपनी कंप्यूटर पे सबसे पहला जो काम आपको करना है, किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद लिखिए ceir.gov.in, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल फ़ोन, मतलब गुम हो गया या फिर आपका चोरी हो गया मोबाइल आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। आप चाहे तो आप अगर आपको मिल गया है वो फ़ोन तो आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं, इंस्टेंटली अनब्लॉक भी हो जाएगा। ठीक है, और आपने जो चीज़ किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अगर किया है आपने तो यहाँ से चेक भी कर सकते उसका स्टेटस। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई फ़ोन चोरी होगा, अगर आपने यहाँ पर रिपोर्ट करवाया है तो जो आईडी आपको मिलेगा उसी से आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अगर आप फ़ोन को ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर आपका जो मोबाइल चोरी हो गया उसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मतलब जो एप्लीकेशन है उसको एक सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले होम में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉक स्टोन लॉस्ट मोबाइल फोन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर उसको देना है। ठीक है, मतलब जो मोबाइल हो सकता है आपका जो चोरी हो गया वो वाला नहीं है, आपके पास जो करस्पॉन्डेंट मोबाइल नंबर है अगर आपको फ़ोन करेंगे आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर मिल जाएगा तो आपको फ़ोन करके बता देंगे, ऐसा एक मोबाइल नंबर आप दे सकते हो आपका पिताजी का या फिर दूसरे किसी फैमिली मेम्बर का दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मोबाइल नंबर एक अल्टरनेट और भी दे सकते हैं, और IMEI नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, जो आपका जो मोबाइल है, ठीक है, तो उसका IMEI नंबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो गुम हो गया या फिर चोरी हो गया। उसके बाद आपको ब्रांड सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप IMEI नंबर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारा ब्रांड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग वगैरह सब कुछ है। जैसे कि मैं सैमसंग दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ सैमसंग, तो सैमसंग मैंने दे दिया। सैमसंग का यहाँ पर मॉडल मुझे देना पड़ेगा, तो जैसे कि मैं J2 दे रहा हूँ या फिर कुछ और भी दे सकते हो J2। उसके बाद मोबाइल का परचेज जो बिल है इनवॉइस है उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आपका जो बिल है उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो चीज़ आपको करना है लॉस्ट प्लेस, मतलब कहाँ से गुम हो गया। ठीक है, वो जगह आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो जगह कौन सी स्टेट में है, कौन सी सिटी में है, यहाँ पर आप देखेंगे पूरी की पूरी चीज़ आपको देना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेंट नंबर, ठीक है, अगर आपने पुलिस कंप्लेंट
किया है तो दे सकते हैं, या नहीं किया है तो इसको ब्लैंक स्कैन करके भी आप दे सकते हैं। सिलेक्ट पुलिस जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जो लॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद होता है मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपका जो भी डिटेल्स, आपका नाम है, एड्रेस है, अपलोड आइडेंटिटी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी एक मतलब आइडेंटिटी को सबमिट करके यहाँ से आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आराम से आप यह इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, IMEI वेरिफिकेशन क्या है। देखिए, आप अगर आप एक मतलब सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आपका जो IMEI है उसको अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप रजिस्टर मतलब यहाँ पर डालिए। उसके बाद एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका जो मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल में क्या करना है आपको, *#06# दबा के एक IMEI कोड आपका मोबाइल में डिस्प्ले हो जाएगा। IMEI कोड मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का कोड है, ठीक है। तो IMEI यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इमेज में दिखा देता हूँ कि किस तरह से आता है। देखिए, मोबाइल में अगर आप ऐसे डिब्बे के पीछे ऐसे रहते हैं, ठीक है, और मोबाइल में *#06 अगर मारेंगे इस तरीके से, देखिए, तो इस तरीके से एक IMEI 1 IMEI 2 करके आ जाता है, ठीक है। तो उसी कोड को आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप स्टेटस मारेंगे तो दिखा देगा कि चोरी का कोई रिपोर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, पूरी डिटेल के साथ दिखा देगा। कोई भी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल में पहली बार आता है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।